अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद मिसबा। आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ राजमा कढ़ी की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत आसान, खाने में बहुत मज़ेदार सा डिश बन के तैयार होता है। अगर आपको मेरी रेसिपीज ट्राई करने के बाद पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चले आप ये मेरा पूरा वीडियो देख लें। यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम के बराबर राजमा। इसको मैंने रात भर भिगो लिया था, ये अच्छे से भीग चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। मैंने इसमें नमक ऐड किया है और 1 तेज़पत्ता, 1 मोटी इलायची और 1 दालचीनी और 2 मैंने यहाँ पे लौंग ऐड कर लिया है। और इसको अच्छे से मिक्स करके और हम इसको ढक के 4 से 5 सीटी लेंगे और उसके बाद हम उसको बंद कर देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। अगर आपके पास टाइम ना हो राजमा भिगाने का तो आप 1 घंटा पहले इसको गर्म पानी में भिगो के रख लें तो ये अच्छे से भीग जाता है। यहाँ पे मैंने जार लिया हुआ है, जार में हम कुछ मसाले पीस लेंगे। यहाँ 2 मीडियम साइज़ के अनियन को मैंने रफली चॉप किया था, इसको ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को इस तरीके से रफली चॉप करके ऐड किया है। 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड किया है। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको ऐड कर रही हूँ। इसमें हम ऐड कर देंगे 10 से 12 कलियाँ लहसुन की और 1.5 इंच के बराबर का अदरक का टुकड़ा हम इसमें ऐड कर लेंगे। अदरक थोड़ा सा आप इसमें ज़्यादा ही रखें, थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर पानी ऐड कर लेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना के तैयार करते हैं। यहाँ पर आप देखिए मैंने पीस के इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है, इसको कर लेंगे हम साइड में। तो चले देख लेते हैं हम राजमा को। राजमा भी यहाँ पे देखें, राजमा जो है हमारा अच्छे से गल चुका है। मैंने यहाँ पे 4 से 5 सीटी लगा दिया था और उसके बाद में मैंने जो प्रेशर को उसी में मैंने रिलीज़ करने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे देखें कितना अच्छे से जो राजमा है गल चुका है। देखें इस तरीके से हाथ से प्रेस करने से ये मैशी सा हो जाता है। यहाँ पर हमने कढ़ाई में 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल को गर्म कर लिया है, 1 तेज़पत्ता और 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ और इसको हल्का सा क्रैकल होने देते हैं, बस इसका अरोमा जो है ऑयल में रिलीज़ हो जाए। इसी स्टेज पे हम गैस का फ्लेम कर लेते हैं एकदम स्लो और इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर रेड चिल्ली पाउडर। और उसके साथ जैसे ही उसको ऐड कर देंगे रेड चिल्ली और वैसे ही हम पीसा हुआ मसाला जो है उसको ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून के बराबर मैं यहाँ पे गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूँगी। 2 टेबल स्पून भर के हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पे अमचूर मसाला भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे, नमक आप बिल्कुल भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें। हमने बॉईल करते वक्त भी नमक ऐड किया था, इस चीज़ का ध्यान रखें। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर भी इसमें ऐड। अगर आपको हरी मिर्ची नहीं ऐड करना है तो आप यहाँ पर 1/2 टीस्पून के बराबर काली मिर्चों का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए बहुत अच्छे से भुन चुका है, ऑयल जो है अच्छे से सरफेस पे आ गया है। इसी स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे बॉईल किया हुआ राजमा। यहाँ पे देखिए मैंने राजमा को अलग कर लिया था छन्नी में और उसका पानी जो है बॉईल किया हुआ उसको भी अलग किया था, उसका भी इस्तेमाल हम इसी में करेंगे। इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए आप उसी हिसाब से रख सकते हो। आपको अगर लिक्विड चाहिए तो आप लिक्विड रख सकते हैं, आपको एकदम गाढ़ा चाहिए तो आप वैसे भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिक्विड साइड पे इसको बना रही हूँ तो इसको थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको ढक के कुक होने दूँगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, हल्का सा हरा धनिया इसमें ऐड कर लेंगे और इसको ढक देंगे और कुक कर लेंगे। हाफ इसको हम साइड में रखेंगे, इसको बनाने के बाद सर्व करते वक्त हम इसको ऐड कर लेंगे। देखिए हल्का हल्का सा बॉईल आना भी स्टार्ट हो गया है। अब हम इसको ढक के अच्छे से कुक कर माशाल्लाह यहाँ पे आप देख सकते हैं बनके तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी ये राजमा मसाला बनके तैयार होता है। आप इसको ज़ीरा राइस के साथ, स्टीम राइस के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ऊपर से हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं।
तो चले आप भी इसको बनाएं, इंजॉय करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, मैं फिर लौट के आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।